सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। एंड आज हम एक कमाल का मिनी फैन बनाने वाले हैं, जिसकी हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मी तो सबकी होती है, एंड इसमें हम छोटे छोटे कई काम करते हैं जिसमें हमें बहुत परेशानी हो। जैसे कि हम अगर सोल्डिंग करते हैं तो गर्मियों में आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है और वायर में अच्छे से नहीं जुड़ता। तो इसमें हम एक छोटा सा मिनी फैन लगाकर इससे अच्छे से जुड़ सकते हैं, जिससे वो ठंडा होकर अच्छे से वायर से जुड़ जाएगा। तो इसी सब के लिए हमने एक छोटा सा मिनी फैन बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये छोटे छोटे प्लास्टिक सीट ले लिए हैं, जो वीडियो में यूज़ करने के बाद बच जाता है। इस वीडियो में कोई बड़ा सीट नहीं था तो मैंने छोटा सीट ले लिया है। और अगर आपको प्लास्टिक सीट नहीं बनानी आती तो मैंने इसकी भी एक वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद ये पतला सीट ले लिया है और इसके दोनों तरफ से ये कट कर देंगे, जिससे हमारे ये छोटा सा सीट बनकर रेडी हो जाएगा और हम उससे यूज़ में ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा छोटा सा एक प्लास्टिक सीट बनकर रेडी हो चुका है। और इसमें मैंने 1.5 सेंटीमीटर पे मार्किंग करके दोनों तरफ से मार्किंग कर देंगे, जिससे हमें दो पतले पतले सीट बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ 1.5 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर लिया और अब दोनों को मिला दिया है। एंड अब इसे कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए, दो पतला पतला सीट बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम इन दोनों को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ देंगे, गर्म करके मोड़ने पे आसानी से मुड़ जाएगा। तो ये देखिए, हमारा दोनों मुड़ चुका है। और अब इसे ये देखिए काला काला बचा है, तो इन्हें फिनिशिंग करके इस सबको हटा देंगे, जिससे थोड़ा अच्छा दिखे और इसका लुक बढ़िया आए। तो ये देखिए, मैंने इसकी फिनिशिंग दे दी है और ये देखिए अब अच्छा दिख रहा है। तो अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जिसके लिए मैं फेविकिक का इस्तेमाल करूंगा। फेविकिक से अच्छे से जुड़ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने फेविकिक लगा के इसे अच्छे से जोड़ दिया है। एंड अब दूसरे साइड भी इसे लगाकर ऐसे ही जोड़ देंगे। तो ये दोनों साइड से जुड़ चुका है और एक देखिए स्क्वायर बनकर रेडी हो चुका है हमारा। और इसके बाद मैं 5 वाट का एक मोटर ले रहा हूँ छोटा सा। एंड अब ये कट पीस, इसमें से छोटा सा पीस कट कर देंगे और इसमें एक छोटा सा होल करेंगे, जिसके मोटर के ऊपर फिट करेंगे, जिससे हमारे ये पूरा फिटिंग इसमें अच्छे से हो पाएगा। तो इसमें हम एक छोटा सा होल कर लेंगे जिससे ये मोटर भी फिट हो जाए। मैं इसे सीजर की मदद से ही इसमें होल कर लिया हूँ, आप भी सीजर की मदद से इसमें आसानी से होल कर सकते हैं। एंड अब इसे इस पे जोड़ देंगे, जिससे इसमें से निकले ना। तो इसके बाद मैं एक छोटा सा सीट और ले लिया हूँ। एंड अब इसके ऊपर इसे लगाना है, तो इसमें से पतला पतला सीट कट कर निकाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें से भी 2 सीट कट कर लिया है पतला पतला। एंड अब इसके बीचों बीच से हम कट कर देंगे, जिससे हमारे 4 रेडी हो जाएगा। और अब इन चारों को हम चारों तरफ से मोटर के ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, मैंने फेविकिक लगा के इसे भी एक तरफ लगा दिया है। इसी तरफ हम चारों को चारों तरफ से लगा देंगे। ये देखिए, मैंने चारों तरफ से इन चारों सीट को लगा दिया है। और अब इसके ऊपर ये जो वेस्ट पार्ट बच रहा है, इसे मार्किंग करके हम कट कर लेंगे। पर उससे पहले हम फैन को इसमें प्रोपेलर को लगा कर देख लेंगे। ये प्रोपेलर भी मैंने एक वीडियो में बनाया था, उसका लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये इसमें अच्छे से फिट हो चुका है। और अब इसे अच्छे से सेंटर में करके मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारा सेंटर में फिट हो चुका है। और अब इसमें मार्किंग करेंगे और इसे ये वेस्ट पार्ट कट कर देंगे। तो मैंने कट कर दिया है और अब ये इसमें अच्छे से फिट हो जाएगा। ये देखिए, इसमें अच्छे से फिट हो चुका है। और इसे भी हम फेविकिक की सहायता से जोड़ देंगे। ये देखिए, इसे भी मैं फेविकिक के जोड़ दे रहा हूँ, जिससे हमारे ये पूरा जुड़ जाए और टूट ना जाए बाद में।
तुम्हारा ये प्रोपेलर और मोटर बन जुड़ चुका है और बाकी काम कनेक्शन भी कर लेंगे। इसके बाद मैं इससे वायर जोड़ूंगा, ये देखिए, ये देखिए अच्छे से जुड़ नहीं रहा है। तो इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम इस फैन को बना रहे हैं। इसके बाद मैं छोटे छोटे सीट ले लिया हूँ जिसे इनको कवर करना है, तो इसे एक स्क्वायर के शेप में जोड़ कर रेडी कर देंगे। तो ये देखिए पूरा एक बॉक्स बनकर रेडी हो चुका है, बस इसमें से ये वायर निकालना है। तो इस वायर के लिए मैं छोटा सा होल कर दूंगा, इसे भी मैं सीजर की सहायता से ही कर दे रहा हूँ। आप भी सीजर से इसे आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मैं वायर को इसके अंदर से ले जाऊंगा और इसे इसके ऊपर फिट करेंगे। पर इससे पहले हमारा एक मेन काम बाकी है, तो इसके लिए मैं एक एल्युमिनियम का वायर ले रहा हूँ जो केबल में यूज होता है। तो मैं इसे इसके ऊपर लगाऊंगा और वायर के साथ इसे जोड़ दूंगा। वायर में इसे लपेट देंगे जिससे ये पूरा रेडी हो जाए। पर इसे भी हम इस होल में से ले जाएंगे और इसे इसमें लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा वायर के साथ इसमें जुड़ चुका है और फेविक्विक की सहायता से मैंने इसे भी जोड़ लिया है। और अब इसके ऊपर का ये कवर लगा देंगे और इसे भी जोड़ देंगे। तो ये देखिए इसमें फिट हो चुका है और अब मैं इसे फेविक्विक की सहायता से जोड़ दे रहा हूँ। तो ये भी हमारा जुड़ चुका है। और इसके बाद हम एक छोटा सा पाइप लेंगे और इसके टेप की सहायता से इसे पूरा कवर कर देंगे जिससे ये देखने में भी अच्छा लगे। और हम इसे इन दोनों के ऊपर से इसे कवर कर देंगे। तो मैंने वायर को इस एल्युमिनियम वायर के ऊपर लपेट दिया है और अब पाइप को इसमें लगा दिया है। तो ये देखिए हमारा ये पाइप भी इसमें लग चुका है अच्छे से और ये अच्छा भी दिख रहा है। इसके बाद मैंने एक और पाइप की छोटी सी सीट कट कर लिया है और एक रिंग टाइप का कट कर लिया है। इसके ऊपर मार्किंग करके हम एक रिंग कट कर देंगे। ये देखिए इसका कवर भी मैंने काट कर निकाल लिया है और अब इसे एक छोटा सा होल करेंगे जिससे हमारा वायर इसमें अंदर आ जाए। तो ये देखिए इसमें भी होल कर दिया है और रिंग में भी एक छोटा सा होल कर दिया है वायर को निकालने के लिए। इसके बाद मैंने एक छोटा सा मैग्नेट भी यूज किया है जिससे कि हमारा कहीं भी वॉल पे या फिर कहीं टेबल पे फिट हो जाए मैग्नेट। इसके बाद मैं डबल साइडेड टेप की सहायता से इसे इसमें जोड़ूंगा। पहले इसमें डबल साइड टेप लगा देंगे और उसके बाद इसमें लगाएंगे। ये देखिए हमारा पूरा टेप लग चुका है और अब इसमें प्लास्टिक सीट से जोड़ेंगे। तो ये हमारा इसमें फिट हो चुका है और ये जो एल्युमिनियम की वायर थी इसे भी मैंने इसमें फोल्ड करके फिट कर दिया है। और उसके बाद ये जो हमने रिंग टाइप का कट किया था इसे भी इसके नीचे लगा देंगे और वायर इसके थ्रू बाहर निकाल दिया मैंने और इसे भी हम फेविक्विक की सहायता से जोड़ देंगे। तो ये चारों तरफ से मैंने फेविक्विक लगा से इसे अच्छे से जोड़ दिया है जिससे बाद में ये निकल ना जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ले लिया। और इसके बाद हम एक चार्जिंग का कटा हुआ वायर ले लेंगे और इसे इसके अंदर डाल लेंगे वायर से। और इसके बाद हम इसकी वायरिंग कर देंगे प्लस वायर प्लस में और माइनस वायर माइनस में कनेक्ट कर देंगे, वरना हमारे ये फैन उल्टा चलने लगेगा और आपको हवा नहीं लगेगा। तो आप इसे चेक करके अच्छे से लगाइएगा जिससे हवा इसके आगे आए। तो वायरिंग करने के बाद मैं इसे टेप से कवर कर दूंगा जिससे हमारे बाद में इसमें शॉर्ट सर्किट होके ख़राब ना हो जाए।
तो ये वेस्ट पार्ट हम बाहर की तरफ खींच के निकाल देंगे। और ये देखिए इसमें परफेक्टली फिट हो चुका है। तो ये डायरेक्ट मैंने प्लग एंड प्ले का सिस्टम रखा है, कोई इश्यूज नहीं। तो इसे हम लैपटॉप से या पावर बैंक से या फिर चार्जिंग से भी डायरेक्ट चला रहे हैं। तो हम इसे यहाँ चार्जिंग से डायरेक्ट चला रहे हैं। और ये देखिए ऑफ होने पे कुछ ऐसा दिख देता है और ऑन होने पे ये देखिए कुछ इस टाइप का लग रहा है। और इसकी ये हवा भी बहुत अच्छी खासी आ रही है, तो हमारे सोल्डरिंग अच्छे से हो सकता है। और आप इससे हवा भी खा सकते हैं अगर आपको इसी कोने में बैठे हैं, आपको हवा नहीं लग रहा है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर देना। तो हम आपसे मिलते हैं इसके अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।